Yes, welcome back 11th class students. Today we are going to start very very important topic of your syllabus, that is production function. So to be continuing with the meaning, what is production? आप लोग ये सभी जानते होंगे production हम किसको कहते हैं कि जितना भी कोई producer या supplier गुड्स को प्रोड्यूस करता है, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन. लेकिन प्रोडक्शन को करने के लिए प्रोड्यूसर को बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड होनी चाहिए उसके पास, प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए. तो ये सारे इनपुट्स हैं जिसको मिला के, जिसके कोऑर्डिनेशन से एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है, आउटपुट को प्रोड्यूस करता है. सो टेक्निकली स्पीकिंग इसका मीनिंग क्या है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये क्या है, प्योरली टेक्निकल रिलेशन है. किसका टेक्निकल रिलेशन? ऑफ फैक्टर इनपुट्स एंड फैक्टर आउटपुट्स. ये दोनों को कनेक्ट करता है. कहने का क्या मतलब है, इनपुट्स और आउटपुट्स के कोऑर्डिनेशन से इन दोनों को मिला के क्या होती है, प्रोडक्शन. तो इसकी इक्वेशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. तो क्यू एक्स स्टैंड्स फॉर फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स, कि किसी भी कमोडिटी की कितनी प्रोडक्शन की गई है वो हमें कैसे पता चलता है, विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. सो एल स्टैंड्स फॉर फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर, की लेबर के कितने यूनिट्स हमने लगाए हैं, एंड के स्टैंड्स फॉर फिजिकल इनपुट ऑफ कैपिटल. अब यहां पर जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या है, लेबर, और जो फिक्स्ड इनपुट है वो क्या है, कैपिटल. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन दिस टॉपिक. शॉर्ट रन मीन्स जब प्रोड्यूसर के पास कम समय होता है प्रोडक्शन को करने के लिए, एंड लॉन्ग रन मीन्स जब प्रोड्यूसर के पास ज्यादा टाइम होता है प्रोडक्शन को करने के लिए. तो इसका डिफरेंस हम स्टडी कर रहे हैं जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट रन कौन सा पीरियड है, ऐसा पीरियड जिसमें हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ओनली द वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर हम किसको कहते हैं, लेबर को. कि वेरिएबल फैक्टर मीन्स सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को यानी कि लेबर को चेंज करके जब प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को चेंज करता है, प्रोडक्शन या आउटपुट वन एंड द सेम थिंग, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट रन. तो लॉन्ग रन कैसा पीरियड है कि जब हम अपनी आउटपुट को, दैट मींस प्रोडक्शन को चेंज करें बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जब हम सारे फैक्टर्स को चेंज करें, क्योंकि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है अपने सारे फैक्टर्स को चेंज करने का. सपोज जैसे कि उसने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसको उसके लिए सपोज लैंड चाहिए तो वो लैंड को खरीद सकता है, जबकि शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैक्ट्री के साइज को बढ़ा सके, क्योंकि उसके लिए टाइम पीरियड बहुत चाहिए. तो शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर के पास टाइम नहीं होता, जबकि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम होता है कि वो अपनी फैक्ट्री के साइज को या लैंड के साइज को बढ़ा सके, नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, कि जो अपडेशन आई है टेक्नोलॉजी में उसके पास टाइम होता है, वो अपनी लेबर को, एम्प्लॉइज को अपडेट भी कर सकता है, उनको गाइड भी कर सकता है. तो इसमें प्रोड्यूसर सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकता है, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर है चाहे वो वेरिएबल फैक्टर है. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट क्या है कि इसमें जो शॉर्ट रन में फैक्टर्स को क्लासीफाई किया गया है एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड. फिक्स्ड मीन्स जिसको चेंज ना कर सके, और वेरिएबल फैक्टर मीन्स जिसको वो चेंज कर सके. अब इसके ऑपोजिटली जो लॉन्ग रन है इसमें सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल हैं, क्योंकि इसमें जो फिक्स्ड चीज है जैसे कि लैंड, उसका साइज भी वो बढ़ा सकता है. तो जिस चीज को हम चेंज कर सकें उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल. तो इसमें लॉन्ग रन में जब प्रोड्यूसर के पास टाइम बहुत ज्यादा होता है तो इसमें प्रोड्यूसर
सारे फैक्टर्स को क्या मानता है वेरिएबल, क्योंकि उसके लिए सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, वो सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकता है। जैसे उसको मशीनरी उसने चेंज करनी है या उसने मशीनरी नई लेनी है, नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लेनी है, तो प्रोड्यूसर के पास एफिशिएंट टाइम है, उसके पास सफिशिएंट टाइम है उसको चेंज करने का। लेकिन शॉर्ट रन में उसको डिफरेंस करना पड़ता है वेरिएबल फैक्टर में और फिक्स्ड फैक्टर में। इसमें वो फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ वो वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेबर, सिर्फ उसको वो चेंज कर सकता है। तो लॉन्ग रन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है प्रोड्यूसर के लिए। नाउ शॉर्ट रन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसमें जो डिमांड है वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है देन सप्लाई। सो डिमांड का जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है सप्लाई से। डिमांड और सप्लाई किस चीज को डिटरमिन करते हैं? प्राइस को, कि प्राइस कितना फिक्स करना है। ये मार्केट फोर्सेस होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ये आपको पहले भी बताया गया कि डिमांड एंड सप्लाई दो मार्केट फोर्सेस हैं जो मिलके मार्केट में प्राइस को डिसाइड करती हैं। तो शॉर्ट रन में क्योंकि प्रोड्यूसर के पास टाइम शॉर्ट होता है, टाइम कम होता है, तो वो ज्यादा सप्लाई मार्केट में नहीं दे सकता। तो इस वजह से अगर मार्केट में प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा मिल रही है तो वो सप्लाई जो है वो इमीडिएटली इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो टाइम पीरियड है वो कम होता है। लेकिन एज कंपेयर टू इट लॉन्ग रन में क्या है कि दोनों डिमांड और सप्लाई इक्वली रोल प्ले करती हैं इन प्राइस डिटर्मिनेशन, क्योंकि इसमें जो टाइम का फैक्टर है, प्रोड्यूसर के पास टाइम एम्पल है, सफिशियंट टाइम है कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में सप्लाई को इमिजिएटली इंक्रीज कर सकता है। तो आई होप बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है और लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो 11th का सिलेबस है सीबीएसई का, वो शॉर्ट रन को फोकस कर रहा है, लॉन्ग रन को नहीं। तो ज्यादा हमने शॉर्ट रन के ऊपर फोकस करना है। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कई बार शॉर्ट में, कि वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं और फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको लास्ट जो डिफरेंस किया उसमें भी क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल फैक्टर्स वो जिसको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेबर। हमने पिछली एग्जाम्पल में क्या स्टडी किया कि शॉर्ट रन जब प्रोड्यूसर के पास टाइम शॉर्ट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकता है, दैट मीन्स वो सिर्फ लेबर को चेंज कर सकता है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड ही रहते हैं, उसको वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पीरियड शॉर्ट है। तो वो जो फिक्स्ड फैक्टर हैं जैसे कि लैंड है या मशीनरी है, ये फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, इसको वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास टाइम ही नहीं है उसको चेंज करने का। अब वेरिएबल फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, मीन्स जैसे जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाता है वैसे वैसे जो उसकी लेबर है उसको उसको बढ़ाना पड़ता है प्रोड्यूसर को। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लेबर को भी इंक्रीज करना पड़ता है। सो इट वेरीज डायरेक्टली। अब इसमें फिक्स फैक्टर जो है वो डायरेक्टली वेरी नहीं करेंगे शॉर्ट रन में विद द चेंज इन आउटपुट, कि अगर उसने आउटपुट को बढ़ाना है तो वो लैंड का साइज या मशीनरी जो नई टेक्नोलॉजी की आई है उसको वो इसमें चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो टाइम है वो शॉर्ट है उसके पास। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो आ जाती है कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर हम किसको कहते हैं कि जब जरूरत पड़ी लेबर को रख लिया, जब नहीं जरूरत है तो लेबर को निकाल दिया, जो वो हमारी परमानेंट लेबर नहीं होती। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको रखते निकालते रहते हैं बार बार, तो इट इज नॉट फिक्स्ड। देन पार, अब फैक्ट्री में काम जब चल रहा है तो पार की जरूरत है, अगर नहीं है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देते हैं। सेम वे रॉ मटेरियल भी तभी यूज होना है जब हमारी प्रोडक्शन हो रही है, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसके कंपैरेटिवली फिक्स्ड फैक्टर की एग्जांपल क्या है? बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी और परमानेंट स्टाफ। और परमानेंट स्टाफ चाहे फैक्ट्री में काम चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, इसकी सैलरी तो
इसके जो वेजेस हैं वो प्रोड्यूसर को पे करने ही पड़ते हैं हर हालत में. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के, दीज आर टोटल प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो सेट टू बी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल रिटर्न और टोटल आउटपुट भी हम इसको कहते हैं. नाउ व्हाट इज टीपी, अब ध्यान से सुनोगे उसको टीपी क्या है, क्योंकि ये सारे चैप्टर का जो बेस है वो मैं आपको बता रही हूं. तो टीपी क्या है, टीपी रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स. नाउ व्हाट इज टीपी मींस टोटल प्रोडक्शन किसी फर्म में कितनी की गई है विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि कितना टाइम पीरियड है प्रोड्यूसर के पास उसको प्रोड्यूस करने का, और उस टाइम पीरियड के दौरान उसने कितने इनपुट्स को लगाया है. इनपुट्स मींस वेरिएबल फैक्टर, कौन से वेरिएबल फैक्टर, फॉर एग्जांपल लेबर, या लैंड उसने कितनी यूज की है, या मशीनरी कितनी यूज की है. देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों ही आएंगे. तो दोनों को मिला के दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ टोटल कितनी प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर ने की है एक गिवन टाइम पीरियड में, तो इसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट. सो इन द शॉर्ट रन, क्योंकि हम शॉर्ट रन के ऊपर फोकस करेंगे, हमारे सिलेबस में शॉर्ट रन है, तो इन द शॉर्ट रन अ फर्म कैन एक्सपेंड टीपी बाय इंक्रीजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स. तो शॉर्ट रन में जो फर्म है या जो प्रोड्यूसर है अपनी टोटल प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ा सकता है, बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर ओनली, सिर्फ लेबर के साइज को बढ़ा के ही वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ 10 लेबर्स प्रोड्यूस 60 केजी ऑफ राइस, अगर किसी फैक्ट्री में 10 बंदे काम कर रहे हैं, 10 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 10 के 10 बंदे मिलके कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं 60 केजी, तो इस केस में टीपी कितनी होगी 60 केजी. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ टोटल प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, या जिसको हम कह सकते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल रिटर्न. अब इसमें जो एमपी है इट रेफर्स टू चेंज इन टीपी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड. फिक्स फैक्टर इसमें कांस्टेंट रहते हैं. दैट मींस कि टीपी में जब चेंज आती है वो किसकी वजह से आती है, एमपी की वजह से. तो एमपी रीजन है फॉर द चेंज इन टीपी. जब हम टोटल प्रोडक्शन में एक और यूनिट की प्रोडक्शन को ऐड करते हैं, एक और यूनिट लेबर का ऐड करते हैं, तो वो जो एक और यूनिट ऐड हुआ है वो हमें क्या बताता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, कि मार्जिन कितना आया टोटल प्रोडक्ट में, कितना चेंज आया, कितनी एडिशन हुई यू में से. तो एक लेबर का बंदा अगर हम ऐड करते हैं अपनी टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो उस एक पर्टिकुलर लेबर ने कितनी हमें प्रोडक्शन और ऐड करके दी, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट. देन और हम क्या कहते हैं, टीपी जो है वो क्या है, समेशन ऑफ द एमपी, सम टोटल ऑफ द एमपी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, की एक एक जो लेबर का यूनिट है, वेरिएबल फैक्टर हम किसको कह रहे हैं, लेबर को, कि एक एक यूनिट लेबर का मींस एक एक बंदा, एक एक मजदूर जो है वो हमें कितनी प्रोडक्शन को बढ़ा के दे रहा. तो न्यूमेरिकली हम इसकी इक्वेशन कैसे लेते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका, एमपी एन इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन. टीपी एन मीन्स टोटल हमें कितनी प्रोडक्शन मिली है, कितने हमने नंबर ऑफ यूनिट्स लेबर के लगाए हैं. जब उसमें हम टीपी एन माइनस वन कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट का. और टीपी का फॉर्मूला भी यहां से एक और निकलता है, टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी, कि जितनी प्रोडक्शन, जितनी हमने लेबर लगाई है उन सब ने मिल के हमें कितनी प्रोडक्शन दी है,
दैट ऑल्सो स्टैंड फॉर द टीपी. अब इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि इफ 10 लेबर्स मेक 60 केजी ऑफ राइस एंड 11 लेबर्स मेक 70 केजी ऑफ राइस, की अगर हमने 10 बंदे काम पे लगाए तो वो हमें 60 केजी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं राइस का, और अगर हमने एक और बंदा लगा दिया 11th, तो 11 मिलके हमें कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं 70. अब जो 11 हमें मिलके दे रहे हैं 70 वो क्या है, टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी, दैट मीन्स टीपी ऑफ 11 लेबर इज इक्वल टू 70. और अगर हमने इसमें से एमपी निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1. तो दैट मीन्स एमपी ऑफ 11th लेबर इक्वल टू 70 माइनस 60. अब 70 कितने लोगों की प्रोडक्शन है, 11 की, और जो 60 प्रोडक्शन है वो कितने लेबर की है, 10 लेबर्स की. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टीपीएन मींस टोटल हमने कितने लगाए हैं 11, 11 से कितनी प्रोडक्शन आ रही है 70 माइनस टीपीएन माइनस 1. इससे पहले कितने लगे हुए थे 60, इससे पहले हमारे कितनी लेबर लगी हुई थी 10, तो 10 मिलके हमें कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं 60. तो दोनों का हमने डिफरेंस लेना है कि 11 मिलके हमें 70 प्रोडक्शन दे रहे हैं और 10 मिलके हमें कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं 60. दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द मार्जिन, कि एक और ऐड करने से हमें कितनी एमपी मिली, दैट इज 10 केजी. अब इसको निकालने का एक और फॉर्मूला भी है हमारे पास, एमपी इज इक्वल टू चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. दैट मीन्स चेंज इन टीपी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टीपी, कि चेंज इन टोटल प्रोडक्शन में हमारी कितनी चेंज आई, डिवाइडेड बाय हमने हमारी यूनिट्स में कितना चेंज आया. अब चेंज इन टीपी कितना हुआ, 70 माइनस 60, और चेंज इन नंबर यूनिट्स, हमने यूनिट्स ऑफ लेबर में कितने हमने और लोग लगाए, 1 ही लगाए ना, क्योंकि पहले कितने थे 11, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले कितने थे 11. अब इसको अगर हम ये सॉल्व करते हैं, इन्होंने कितनी 11 ने कितनी प्रोडक्शन दी थी 70, और 10 ने कितनी दी थी 60, तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 10, आंसर विल बी सेम, हेयर आल्सो 10 केजी, हेयर आल्सो 10 केजी. नाउ एपी दैट मींस एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज रिटर्न भी हम इसको कहते हैं. तो एपी मींस हमें एवरेज कितनी मिली, तो एपी इज रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल आउटपुट, कि हमें एक यूनिट के पीछे कितनी एवरेज प्रोडक्शन मिली. तो इसका फॉर्मूला क्या है, एपी इक्वल टू टीपी मींस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट मींस टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हमने जितने लगाए. और हम अगर हमें हमारे पास एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एन का फॉर्मूला है, तो हम इसमें से टीपी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें ये चीजें गिवन है, सपोज एपी और नंबर हमें गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट टीपी ऑल्सो. तो टीपी हम कैसे कर सकते हैं, टीपी इज इक्वल टू हम एन को इधर ले जाएंगे, एपी को जब हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल अराइव एट टीपी, दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट. सो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू. सो अगेन माई सजेशन इज दिस, कि आप वीडियो को 2 times जरूर वॉच करें, उसको आराम से ध्यान से सुने और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें साथ साथ, ताकि आपको जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. तो आज के टॉपिक में हमारा बेटा कवर अप हो गया, प्रोडक्शन का मीनिंग, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, उसका मीनिंग क्या है, उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, देन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो डिफरेंस है वो हो गया आपका, कि लॉन्ग रन मीन्स जब प्रोड्यूसर के पास टाइम ज्यादा होता है, शॉर्ट रन मीन्स जब प्रोड्यूसर के पास टाइम कम होता है. देन फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का डिफरेंस, क्योंकि हमारे जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें मेन जो हमारा पार्ट है वो शॉर्ट रन में है स्टडी हमारी, लॉन्ग रन की स्टडी हमारी नहीं है. तो शॉर्ट रन जो है वो हमारे सिलेबस में है, तो हमने शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोकस करना है. देन उसके बाद आपको कराया मैंने आज टोटल प्रोडक्ट, उसका मीनिंग विद फॉर्मूला एंड विद शॉर्ट एग्जांपल.
देन आपने किया मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला विद एग्जांपल, देन एवरेज प्रोडक्ट एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट विद फॉर्मूला। अब इसके आगे हम इसका लॉ करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको ये पहली वाली वीडियो क्लियर है। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।